हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपस्टॉक्स में अपना फ्री डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। मैंने अपने मोबाइल के फ़ोन में लाइव आपको करके दिखाया है कि आप अपस्टॉक्स में डीमैट अकाउंट कैसे खोलेंगे, लेकिन अगर देखा है तो अपस्टॉक्स आपसे अभी 99 प्लस जीएसटी या 199 प्लस जीएसटी चार्ज कर रहा है, तो आप फ्री में कैसे खोलेंगे? तो उसके लिए सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप जो 199 प्लस जीएसटी का पेमेंट करेंगे या 99 प्लस जीएसटी का पेमेंट करेंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एप्लीकेंट आईडी लीजिए और हमें इस मेल पर फॉरवर्ड कर दीजिए। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, आप जो डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे वो हमारे दी गए डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू खुलवाएंगे। तो वीडियो में चलते हैं लाइव और देखते हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे खोला जाए। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्टॉक्स का लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करते ही आप इस पेज पे आ जाएंगे और सिंपली अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं जोड़ने के आपके आधार कार्ड से लिंक हो, लेकिन वेरीफाई करवाते टाइम आपका फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी पे क्लिक करते ही आपको 6 डिजिट का ओटीपी आएगा। आप ओटीपी डाल के इसको साइन अप करके वेरीफाई करवा लीजिए। वेरीफाई करवाते ही आप एक न्यू पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। न्यू पेज पर पूछेगा कि आपका फ़ोन और ई मेल आई डी डालिए, तो आप फोन और ई मेल आई डी डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। वेरीफाई एंड साइन इन करने पर एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, तो इसमें आप अपना पैन और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना रहेगा, फिर आपका मैरिटल स्टेटस, फिर आपका एनुअल इनकम। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बिलो 1 लाख रुपीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पूछेगा कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, आप उसमें लेस देन 1 ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपका जितना उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करूँगा। अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। नो करने के बाद आप अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे। ऑक्यूपेशन में अगर मैं स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। इज़ योर टैक्स रेसिडेंट इंडिया, तो आप इसको यस करेंगे और इसको आई एक्सेप्ट द वो डिक्लेरेशन करके एग्री कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अगर कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका डीमेट अकाउंट आपको फ्री स्टॉक मिल रहा है, तो आप सिंपली यस आई वॉन्ट फ्री स्टॉक पे क्लिक करेंगे। करते हैं यहाँ पे एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको बोलेगा कि अपना डिजिटल साइन अपलोड करिए, तो आप कुछ भी अपना नाम और टाइटल ऐसे ही लिख के अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप अपना अकाउंट होल्डर नेम और IFSC कोड, बैंक डिटेल्स भर के अकाउंट टाइप सेलेक्ट करके प्रोसीड कर देंगे। जैसा कि अभी दिखा रहा है कि आपको साइनअप के लिए 99 रुपीज़ अकाउंट ओपनिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। कुछ केसेस में ये 199 भी शो करता है, तो आपको इसका करना कुछ नहीं है, पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट लेना है उसको हमको हमारे इस जीमेल आईडी पे मेल करके सेंड कर देना है। मेल पे सेंड करते ही 24 घंटे के अंदर हम आपको ये पेमेंट अपनी तरफ से रिफ़ंड करवा देंगे। पेमेंट करने के बाद ये आपको एक न्यू पेज पे रिटायर्ट करेगा, जो कि मैं गूगल पे से पेमेंट कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा प्राइवेसी रेट के कारण। के आप इसको कंफर्म कर लेंगे। फ़ोन नंबर आप वहीं डालिएगा जो आप फर्स्ट टाइम यूज़ किए थे। फिर उसके बाद आप सिंपली यहाँ से आपको जिस पेमेंट को यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप इसको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज हो जाएगा कि आप कौन कौन से सेगमेंट ओपन करवाना चाहते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप नो आई विल डू इट लेटर पर क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। न्यू पेज में आपको बोलेगा आप ई साइन करिए, जो कि आप आधार से कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे में जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसको भी आप डाउनलोड करके ब्रोकर के पास सेंड कर सकते हैं। ई साइन में क्लिक करेंगे, वहाँ पे आई हैव डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जो कि NSDL का होगा। उसमें आप सिंपली अपना आधार नंबर डाल के वेरीफाई सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आधार नंबर डाल के सेंड OTP पे क्लिक करते हैं, आपके मोबाइल पे जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा उस पर OTP जाएगा। OTP पे जाने के बाद वो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। क्लिक हियर डाउनलोड योर साइन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीड पे क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए। एक तो वर्चुअल प्रूफ है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद बोलता है कि आप अपने फ़ोन से सेल्फी लीजिए या फिर से एक वीडियो बनाइए, वो भी आप कर सकते हैं। करने के बाद आपको सामने जो मेल आएगा कि आपका डीमैट अकाउंट का वेरीफिकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है और हमारे यहाँ से ये 1 से 2 बिजनेस आवर डेज में आपके अकाउंट में क्लाइंट और आईडी पासवर्ड आपको मेंशन हो जाएगा, तो आप तब तक वेट कर लीजिए। और हाँ, अगर आप हम मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू ये अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और प्लस 50 रुपीज़ का बोनस हमारी तरफ से फ्री दिया जाएगा। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउनलोड नाउ।